We are back guys यार आज हम न्यू गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स। और यार ये कोई ऐसा वैसा स्पाइडरमैन गेम नहीं, ये बहुत ही तगड़ा स्पाइडरमैन गेम है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो स्पाइडरमैन है गाइस। ये इस गेम की स्पेशलिटी है। एक स्पाइडरमैन है पीटर पार्कर जिसे हम सब लोग जानते हैं और दूसरा स्पाइडरमैन है अपना प्लेयर यानी माइल्स। तो यार होता कुछ ऐसा है इसमें कि अपने प्लेयर को भी ना एक स्पाइडर काट लेता है और अपन लोग भी स्पाइडरमैन बन जाते हैं। तो पीटर और माइल्स दोनों एक टीम की तरह वर्क करते हैं। सो ये जो सामने अपना बंदा है ना यही अपना करेक्टर है माइल्स। फाइनली मैं गेम खेलना कर चुका हूँ शुरू और अपने पे भी पीटर का मैसेज आया, उसने अपने को बुलाया और भाई साहब क्या एंट्री लिए। ओफो गाइस यार ग्राफिक्स कितने ही रियलिस्टिक लग रहे हैं, बिल्कुल मूवी की तरह लग रहा है भाई। यार गाइस इतने बढ़िया बढ़िया एनिमेशन और व्यूज आ रहे हैं ना भाई, क्या बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कसम से। और भाई सब क्या ही जंप ली भाई। सो अपने पे कंट्रोल आ चुका है, लेट्स गो। कैसे करना है? अच्छा शिफ्ट से। अबे भाई अभी रोड पे चिपक जाता। चलो अभी सीखेंगे, कोई नहीं गाइस अभी पहली बार ही खेल रहा हूं मैं तो सीखेंगे। अरे आराम से भाई, क्या कर रहा हूं मैं, ये बार बार नीचे क्यों आ रहा हूं। अच्छा शिफ्ट से स्विंग है और स्पेस से जंप है गाइस। भैंस की रुक जा। ओ ओ ओ, ओ अबे यार क्या हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं रह पाया ज़्यादा देर। अच्छा ये ऐसे छोड़ के फिर शिफ्ट दबाना है, अच्छे से होल्ड कर रखना है गाइस बार। मतलब शिफ्ट से ही हम लोग स्विंग कर सकते हैं और स्पेस से अपन लोग ले सकते हैं जंप। तो फटाफट से यार मैं उस लोकेशन पे चलता हूँ जहाँ अपने को बुलाया है अपने पीटर पार्कर यानी दूसरे स्पाइडरमैन ने। सो फाइनली मैं उस लोकेशन में पहुंच चुका हूं जहां अपने को पीटर ने बुलाया था। और पीटर यार दिख नहीं रहा, ये तो भाई साहब ये रहा अपना स्पाइडरमैन। पीटर कहां पर है वे? पीटर ने बुलाया तो यहीं पर था। अरे 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 भाई साहब ये रहा पीटर, भाई क्या ही तगड़ा लग रहा है। और ये उल्टा होके कैसे कॉफी पी रहा है भाई, ग्लास तो उसका सीधा और खुद ही उल्टा है भाई। यार काफी कुछ सीखना अपने को स्पाइडरमैन से, लेकिन भाई दोनों साथ में कितने तगड़े लग रहे हैं यार देखो। और ये कहां जा रहे हैं? वेट गाइस ये प्लेन और ये क्या इतना बड़ा बॉक्स कंटेनर टाइप का, क्या ये RAFT राफ्ट कंपनी का किसी का है कंटेनर? आई थिंक यार पुलिस वालों ने स्पाइडरमैन्स को और स्पाइडरमैन्स मतलब हाँ दोनों स्पाइडरमैन इन लोगों को और पुलिस वालों को इसकी प्रोटेक्शन की वो दी है कि इन्हें सेफली कहीं डिलीवर करना होगा, उसकी ध्यान व्यान रखना है रास्ते में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। इस चक्कर में शायद ये लोग जा रहे हैं। अबे भाई वो टूटा ना, अरे भाई ये इसके वेब की वजह से टूट गया भाई। अबे भाई कुछ करो, टूट जाएगा पूरा भाई, वो क्या कर रहे हो भाई सब। ऑलमोस्ट जा चुका जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई, कुछ तो कर। चलो यार इसने कुछ जुगाड़ तो कर ही दिया फिर कुछ देर के लिए। नहीं भाई टूट गया भैंस कीटा। अबे क्या सीन है भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई छोड़ना वेब, छोड़ दे भाई। अबे भाई इसने पूरा हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, प्लेन जो भी है ये। और भाई कंटेनर भी टूटने जाए कहीं यार, इसके अंदर शायद वेपन्स है, पता नहीं क्या है, कुछ सीक्रेट सामान था यार पुलिस का या फिर क्या नाम है जो कंपनी थी राफ्ट उस कंपनी का। भाई साहब क्या सीन है भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है भाई, इतनी सिक्योरिटी जाहिर थी। और यार वो स्पाइडरमैन की गलती की वजह से नीचे गिर गया भाई साहब। यार कितना डिस्ट्रक्शन हो गया देख रहे हो यार, पूरा प्लेन वगैरह सब कुछ टूट चुका है भाई। यार क्या सीन है भाई, ध्यान रखो सबका, देखो जाके भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। भैंस की टांग, अरे 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 ये किस चीज़ की आवाज़ आई बे? अबे भाई साहब इसके अंदर कुछ तो है, जिंदा है क्या भाई वो? अरे भाई साहब ये नीले रंग की आंखें भाई, भैंस की टांग बे। अरे 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 ओ भाई साहब क्या चीज़ है भाई, ये राइनो जैसा आर्मर भाई, कितना खतरनाक है इसका भाई, इनसे इससे लड़ना पड़ेगा पहले मिशन में भाई। बैंड बनने वाली स्पाइडरमैन की तेरी भैंस की। अरे अरे भैंस की टांग, पीटर इसके ऊपर चढ़ गया है भाई, अपने को भी इसकी हेल्प करनी चाहिए ना भाई, इतना खतरनाक अकेले नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वेट यार गाइस, यहाँ उल्टा सीन हो गया है, जो कैदी वगैरह लेके जा रहे थे पुलिस इन लोगों को प्रिजनर्स को, भाई गलती से गेट खुल गया, अभी इन्हें पकड़ना पड़ेगा। चलती थी भैंस की, निकल यहाँ से भाई साहब, क्या ही उड़ा दिया इसे। ओ भाई साहब बेहोशी कर दी एकदम ऑलमोस्ट भाई, क्या मूव्स है यार, इसके मूव्स बहुत तगड़े लगते हैं मेरे को स्पाइडरमैन के। अरे अरे पीछे से मार रहा तेरी भैंस की, निकल भाई साहब, कूड़े का डस्टबिन ही उठा के मार दिया भाई मुँह पे, निकल यहाँ से। और भाई साहब और चल तेरी, हट यहाँ से, हट निकल। और भाई चल तेरी भैंस को, भाई मुंह पे लात मारी भाई इसके दोनों पैरों से। और भाई साहब ये पुलिस और आ गई है भाई साहब। चलो वैसे ऑलमोस्ट तो हमने सबको मार दिया है भाई, ये फिर आगे राइनो कितनी बार आएगा भाई। और भैंस को पुलिस की गाड़ी उल्टी पुल्टी कर दी पूरी भैंस की टांग। अबे यार क्या सीन है, और भाई ये बंदों ने गन ले ली भाई पुलिस वालों की। अबे यार अब सीन तगड़ा हो गया, गोली ना मार दी ये। अच्छा क्या करना है, डॉज करना है, क्या करना है, यूज वेब। अरे भाई साहब ये क्या सीन था भाई, स्पाइडरमैन ने भाई साहब उसके दोनों हाथ पे वेब जमा दिया भाई, पूरे हाथ जकड़ चुके हैं उसके वेब से, कुछ कर ही नहीं सकता है वो। चलो कोई नहीं, बाकी को निपटा लेते हैं, गन वाले को तो हमने पकड़ लिया। अरे भाई उसने हाथ खोल लिए, और भाई तुम जल्दी कैसे खोल लिए बे, इतनी ताकतवर रहेंगे भाई ये लोग प्रिजनर्स, तेरी भैंस की निकल यहाँ से भाई। फिर आगे राइनो,
भाई साहब अपने को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी यार, पीटर की बहुत मुश्किल हो रही है पीटर को अकेले। फटाफट से यार इन्हें पहले निपटाता हूँ सारों को मैं, उसके बाद उसकी हेल्प करने जाऊँगा। निकल यहाँ से। अबे भाई साहब कितने सारे हो गए, तो इतनी सी गाड़ी में इतने सारे प्रिजनर्स कैसे लेके जा रहे थे भाई ये? भैंस की टंग निकल। ओ भाई साहब टायर ही मार दिए थे तो उसके मुँह पे। निकल यहाँ से तेरी भैंस की, निकल। और भाई साहब पीछे से मार रहा है भाई, गलत बात है। इतने सारे बंदे भाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ओ भाई पीछे से कहाँ से निकल के आ रहे हो भाई तुम? तुमने यहीं अड्डा वड्डा बना रखा है क्या अपना? मैं यहीं से निकल के आ रहे हो भाई? खत्म हो यार जल्दी फटाफट यार, दिमाग खराब कर दिया भाई इतने सारे बंदे। हमें यार जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पीटर जो है ना वो अकेला बहुत मुश्किल हो रही है उसे फाइट करने में। निकल यहाँ से तेरी भैंस की। भाई सब इरिटेट कर दिया खैर, ऑलमोस्ट तो हमने सबको मार ही दिया है। क्या सीन है? आई गॉट द कीज। अबे भाई साहब इन्हें गाड़ी की चाबी मिल गई, ट्रक की चाबी मिल गई भाई, ये लोग तो निकल रहे हैं यहाँ से। अबे पकड़ भाई, पकड़ना पड़ेगा लग रहा है इनको। आई गॉट इट। अबे भाई यार उसकी हेल्प करें या फिर भैंस की टांग क्या नाम है इन्हें पकड़ जाके। चलो यार चोरों को तो आसानी से हम बाद में पकड़ लेंगे। भाई साहब बचा इसे, ओए बच गया भाई ये, इंसान नहीं मर जाता। पहले इसे राइनो को पकड़ना पड़ेगा भाई, पहले इन्हें छोड़ो, इन्हें बाद में देखेंगे, पहले राइनो को पकड़ते हैं फटाफट से। ये भैंस की टांग भाई, ये पीटर अकेले नहीं झेल पा रहा है भाई, अपने को पीछा करना पड़ेगा भाई। ये रोडों पे जा रहा है भाई, बंदों के पास जा रहा है। अबे नहीं भाई पब्लिक के पास मत जा, वहाँ क्यों नहीं रह रहा सिर्फ यार ये? अबे भाई सामने, ओ भाई साहब कितनी तबाही मचा दी भाई इसने, क्या कर रहा है भाई ये, सिटी पूरी बर्बाद कर देगा भैंस की टांग। जल्दी भाग भाई स्पाइडरमैन, क्या कर रहा है वे? जल्दी जा फटाफट से पीछे पीछे तेरी भैंस की। रुक जा रहा हूँ भाई, अबे यार आ गया है काफ़ी ज़्यादा, रुक जा भाई आ रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, गैप कर रहा हूँ यार। गैप कवर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पीटर तो भाई मस्त उसके ऊपर बैठ के राइड ले रहा है, भैंस की टांग जिसने अपने ऊपर फेंका है बच गए भाई, भी मुँह टूट जाता कसम से भाई। अबे रुक जा भाई, कितनी तेज भाग रहा है भाई, इसके अंदर स्पीड है क्या है भाई? ये क्या सूट बना कर दिया इन्होंने, ये कौन सी कंपनी भाई इतने खतरनाक सूट बना रही है? आयरन मैन बना के दिया है क्या ऐसे सूट ये भाई? स्टार्क इंडस्ट्रीज है भाई। रुक जा भाई, और भाई साहब यार ये पूरी सिटी बर्बाद कर देगा भाई, मेरे को लग रहा है भाई ये अपने से नहीं रुकेगा ये। वो पीटर बकवास कर जा रहा है भाई, तुझसे कुछ होता है नहीं, चुप रह ले, दो मिनट आ रहा हूँ मैं तेरे पास, अभी शांति रख, कुछ ना कुछ कर इतने उसे रोक कैसे भी करके। भाई यार भाई साहब क्या कर रहा है ये? वो फाइनली पहुँच गया अपन लोग तेरी भैंस की। अब ये क्या भाई, मुझे भी घिसटा दिया भाई इसने तो, पकड़ ले भाई से। अबे भाई कहाँ घुस गए हम लोग? अरे पार्किंग वगैरह में घुस गए कहीं भाई ये। अबे यार अबे अच्छा लेफ्ट राइट कंट्रोल कर सकते हैं हम इसे, पर यार रोक नहीं पा रहे हम लोग इसे। अबे भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई, सबको बचाना पड़ेगा हमें। अरे 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 भाई साहब बहुत तगड़ा सुन हो चुका है भैंस की टांग, ये किसी शॉपिंग मॉल में घुस चुका है भाई। इंसानों से बच के रहना पड़ेगा भाई, स्पाइडरमैन आया कि लोग क्लियर कर रहा है, पर अपने को भी क्लियर करते रहना पड़ेगा। अबे बे 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 नहीं भाई, नहीं नहीं, अरे भाई अभी इन्हें फेंक दिया था ऊपर से, हट जा भाई इधर, राइट हो राइट हो राइट हो, तबाही मत मचा भाई। अरे यार कितना डिस्ट्रक्शन कर रहा है भाई ये, अरे सामने दो बच्चे हैं भाई, अरे यार क्या सीन है भाई। चलो फाइनली अपने स्पाइडरमैन देख रहे हो भाई, क्या भाई सिनेमेटिक शॉट्स तो भाई बहुत तगड़े हैं भाई, कसम से एनिमेशन बहुत तगड़ी बनाई है। अब तो भाई इतना तगड़ा मारा स्पाइडरमैन ने, अब तो इसे रुक जाना चाहिए, अब भी नहीं रुकेगा ये। अरे भाई क्या पावर है भाई, क्या सूट बना के दे दिया ऐसे भैंस की टांग, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। यार कहाँ जाकर रुकेगा भाई, बता दे मेरे को पहले ही। ओ ओ भाई साहब, भाई भाई ये पीटर ने बड़ा तगड़ा काम करा भाई, अब कहाँ कैसल में जाके घुस जाएगा क्या? अरे अरे ये तो वही है ना भाई जो स्पाइडरमैन की बैंड जाता रहता है, टीवी शो न्यूज़ चैनल है इसका आई थिंक। भैंस की टांग इसे तो भाई तोड़ दे, इसे तोड़ने से रुको, तोड़ दे भाई तू इसे तोड़ दे। और भाई साहब देखो देखो स्पाइडरमैन को देखते ही भाई वो चिढ़ गया, एकदम चिढ़ गया स्पाइडरमैन से भाई, कितना जलता है भाई ये बंदा बुढ़ा भाई ये, इसे कुछ काम नहीं, हमेशा स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा रहता। भाई साहब फिर अपने हाथ से निकल गया, इसे फिर पकड़ना पड़ेगा यार भैंस की टांग। पीटर ने कोई नहीं पकड़ रखा होगा, मैं भी जाता हूँ भाई की तरफ पीटर की हेल्प करने। और भाई इसकी मम्मी कॉल आ रहा है माइल्स की, और ये बात कर रहा है मम्मी को, उसकी शक ना हो जाए भाई, क्योंकि एक्चुअली से पीटर को पता है कि स्पाइडरमैन है, और किसी को आई थिंक नहीं पता, या फिर शायद माइल्स के एक फ्रेंड को भी पता है। खैर अपन लोग से फटाफट पकड़ते हैं, इसकी मम्मी से बात कर रहा है भाई ये। यस मॉम आई लव यू, हाँ लव यू टू, ये सब चल रहा है भाई, लव यू सब यू। चलो यार फटाफट चलते हैं पीटर के पास, कहीं बैंड ना बज जाए पीटर की अकेले अकेले। अरे भाई पकड़ने पड़े कुछ भी करके इसे, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सिटी भाई ये डिस्ट्रॉय कर चुका है भाई, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है सिटी के लिए भाई साहब, काफ़ी नुकसान देगा सबको ये। ओ फाइनली भाई फाइनली दोनों स्पाइडरमैन एक साथ के ऊपर आ चुके हैं, अब ये दोनों शायद मिलके कुछ ना कुछ करेंगे जिससे ये रुक जाएगा। नहीं भाई अबे भाई ये तो आई थिंक फ्लेमेबल गैस, अरे भाई फटने वाला एक्सप्लोजन होने वाला है बहुत तगड़ा, रुक जा। अरे भाई नहीं रुका भाई, इन्होंने बेच दिया अपना लेकिन। अरे भाई साहब ये कौन गिरा उड़ के दूर? अबे ये तो अपन लोग हैं माइल्स। पीटर कहाँ है? पीटर डिस्ट्रक्शन देख रहे हो भाई साहब, कितना खतरनाक हो गया है भाई, पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी है भाई इसने। अरे लाइट चले गई है भाई साहब, पूरे सिटी की लाइट चली गई है ऑलमोस्ट। अबे स्पाइडरमैन पीटर कहाँ है भाई?
अबे भाई कहाँ है पीटर? पीटर क्यों नहीं दिख रहा? अबे भाई ये फिर आ गया भाई, ये चोर लोग भाई, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। अब की बार तो भाई ब्रजुका वगैरह लेके आए हैं भाई, पूरी रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब कुछ भैंस की। अरे भाई साहब डॉज तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस की टोंग भाई, एनिमेशन तो बहुत तगड़े। निकल यहाँ से भैंस की टांग, इनके तीन चार बंदों इन सबको निपटा के भाई फटाफट से मैं जाता हूँ उसके पास भाई, राइनो के पास, क्योंकि बहुत तगड़ा सीन हो गया। निकल यहाँ से, हट। अबे भाई पुलिस आ चुकी है, खैर पुलिस संभाल लेगी। मैं फटाफट से राइनो के पास चलता हूँ, चल तुझे इसे बस मार लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जाता हूँ मैं राइनो के पास। भाई सब गोलियाँ गोलियाँ चला रहे हैं भाई ये पुलिस वालों, मारो भाई क्या कर रहे हो, मैं अकेला मारूँ क्या ये? चलो ब्रजुका वाले को पकड़ता हूँ, कुछ ना कुछ करके इसके मुंह पे मार दूँ। चल तेरी भैंस की, चलो अब फटाफट राइनो की तरफ चलते हैं, लेट्स गो गाइस यार फटाफट, क्योंकि पीटर को अपनी ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस यार पीटर के पास तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन पीटर की ना आवाज़ आ रही है उस पर एयरफोन्स पे, और ना ही मुझे कहीं दिख रहा है, था तो यहीं पर। अरे भैंस की टांग, गाइस यार इसकी क्या बैंड बजा दी है भाई पीटर की, ये तो बेहोश हो गया आई थिंक भाई साहब, कितना मारा इसे भाई, क्या बंदा है भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई यार राइनो से इससे। अब भाई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई पीटर, कहीं मर वर तो नहीं गया भाई? अबे नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में ही, आई थिंक बेहोश है भाई ये। क्या कह रहा भाई साहब ये? दिस स्पाइडर मैन इज़ ब्रोकन। अच्छा भाई, आई वुड लाइक टू एक्सचेंज विद न्यू वन। अबे भाई हमारी बात कर रहा है, हमारी टांगें तोड़ने वाला मुझे लग रहा है, भैंस की टांग पर बदला लेंगे अपने भाई का, अपने पीटर पार्कर का। अरे भैंस की, और भाई यार ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ओ भाई जिंदा है, जिंदा है, चलो भाई मरा नहीं है एटलीस्ट भाई ये। अब तेरी भैंस की, हमें क्या समझ रहा था, ये क्या हो रहा है भाई हाथों में? भैंस की टांग क्या है? ओबे थैनोस का हाथ बन गया, क्या हुआ भाई ये? ओ भाई साहब एक ही पंच में भाई से बेहोश सा कर दिया इसने। अबे भाई कितना ताकतवर है, फिर उठ गया भाई। पर क्या शक्ति आई थी भाई इसके अंदर, ये स्पाइडरमैन के अंदर ऐसी पावर्स तो मैंने आज तक देखी नहीं, पर खैर कोइंस की बैंड जाएंगे। अच्छा राइट, ले वेनम पंच कहते हैं भाई इसे, वेनम पंच की पावर है इसके पास। ओए भैंस की टांग क्या मारा है बे इसे वेनम, भाई साहब वेनम तो वो है ना भाई वो जो एलियन आता है ऊपर से, वेनम की पावर्स आ गई हैं क्या इसके अंदर? ओए 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 ये इसके सूट में कोई पावर होगी। और भैंस की टांग तेरी भैंस की, ओ भाई ये टेक्निक तो तगड़ी है तेरी भैंस की, निकल यहाँ से भाई साहब, कितनी खतरनाक भाई साहब। ओए भाई ये मेरे को लग रहा है अपने को हरा देगा बहुत आसानी से भाई, कितना दूर दूर उठा के फेंक रहा। अरे भाई डॉज अच्छा कर रहा है पर अपना स्पाइडरमैन, मतलब माइल्स अपना काफ़ी छड़ कर रहा है। वेनम पंचर काफ़ी पावरफुल है भाई, लेकिन यार सीन कुछ ऐसा कि वेनम पंच को शायद रिचार्ज होना पड़ता है बार बार, लेकिन भाई ये न्यू एबिलिटी है ये, कोई नहीं अपन लोग सीखेंगे इसे। और भैंस की दो फिर अनलॉक हो गए तेरी, अरे बच गया तेरी भैंस की। ओए भाई ये पंच है भाई, इस पंच के लिए अच्छा ये 5 से 10 सेकंड के लिए थोड़ा मतलब वो हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, रुक जा रहा है। ओ भाई साहब, अरे वो भाई क्या हाल कर दिया भैंस की टांग, नहीं 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 मार देगा। और भैंस की टांग भी क्या एनिमेशन है भाई, क्या ही मारा है भाई, मेरे को लग नहीं रहा कि अपना स्पाइडरमैन इससे लड़ पाएगा। नहीं गाइस यार वेट, अब इसके मुंह पे बांध दिए भाई वेब। तेरी भैंस की, रुक अभी बताता हूँ तेरे को, तेरी भैंस की रुक जा। अबे यार कुछ अपने को फिर मारा, अरे वेनम पंच भाई साहब, वेनम पंच ही भाई एक ऐसी चीज़ है जिससे भाई ये लड़ पा रहा है। ओए शायद बैठ गया क्या नॉकआउट, अरे नहीं भाई। अबे क्या खा के आया भाई, क्यों नहीं मर रहा भाई ये, कितना पिटेगा फिर से वेनम पंच। ओए भाई साहब अब की बार तो इसका चैप्टर क्लोज हो गया, क्या पंच मारा है भाई। फाइनली यार इसका चैप्टर क्लोज हुआ भाई, इसे निपटाया अपन ने, कि बेहोश हुआ है अभी मरा तो नहीं है, लेकिन भाई स्पाइडरमैन ये तो ठीक है ना भाई, ये चलो ठीक है ये अपने लिए काफ़ी है। अब अपन लोग फटाफट यहाँ से चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका कुछ करना तो पड़ेगा। ओ वेट गाइस यार, ये रॉक्सॉन कंपनी वही है ना जिस कंपनी का ये पार्सल जा रहा था। ओ भाई साहब ये क्या खतरनाक से फ्यूचर सोल्जर लग रहे हैं टाइप के, ये बंदा कौन है भाई गाड़ी से जो आया है? आई थिंक यही ओनर होगा भाई इस कंपनी का, और अब शायद ये इसे वापस लेके जाएगा राइनो को। लेकिन भाई ये इतनी खतरनाक चीज़ बनाई क्यों रहे हैं जो? अच्छा यार ये कोई रॉक्सॉन एनर्जी नाम की कंपनी है, इसका हेड है ये। ओहो ओ अच्छा ऐसा कुछ सीन है भाई, पर यार ये ऐसी चीज़ बनाई क्यों रहे हैं भाई इतनी खतरनाक? भाई इन पे थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी स्पाइडर्स को अपने दोनों को, क्योंकि भाई ये गड़बड़ कर सकते हैं फ्यूचर में और भी कुछ, क्योंकि भाई ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था भाई, इसने दोनों स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था भाई। गाइस यार इसका नाम सही में राइनो है, मैं तो ऐसे ही मजाक में राइनो राइनो कर रहा था, पर इसका नाम एक्चुअल में राइनो है, मैंने तो उसका सींग देख के राइनो बोला था, पर खैर कोई नहीं यार, फाइनली अपन लोग ने सिटी को बचा लिया इस बार तो, और इसे भी पकड़ लिया भाई। इसके फॉल्ट देखो कितने सारे भाई, चिंगारियाँ उठ रही हैं इसके सूट में से, खैर भाई ये लेके जा रहे हैं इसे, पर भाई ध्यान रखना इसका भाई, ये दोबारा बाहर ना जाओ कि पब्लिक की बैंड बजा दी थी इसने। तो अपन लोग भी फटाफट यार यहाँ से चलते हैं, और पीटर से देखता हूँ मैं, पीटर मतलब पीटर ठीक वगैरह है या नहीं है।
गाइस यार वो एरिया क्लियर कर तो अपन लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने दोनों स्पाइडरमैन मस्त चिल कर रहे हैं ऊपर टावर पे छत पे बैठ के। ये रहा अपना पीटर और ये है अपना माइल्स कैरेक्टर जो हम प्ले कर रहे हैं इस गेम में। तो गाइस यार ये लोग कुछ बात वगैरह कर रहे हैं आपस में। आई थिंक आई एम गोना बी अराउंड फ्यू वीक्स। अरे ये स्पाइडरमैन कह रहा है गाइस यार कि कुछ दिन के लिए ये यहाँ पर नहीं होने वाला है, सिटी से बाहर जाने वाला है, एमजे से मिलना है। आई थिंक एज ए फोटोग्राफर जा रहा है एमजे के साथ कहीं बाहर, ये तो इसलिए ये बाहर जाने वाला है। पर माइल्स सर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है अपने क्योंकि माइल्स ने आज ही कितनी बड़ी गलती कर दी वो राइनो को भाई, मतलब यार राइनो जो है वो इसकी वजह से ही बाहर है क्योंकि इसने भाई वो तोड़ दी अपने वेब शूटर से रस्सी, उसके बाद फिर प्लेन का उसमें पंखुड़ी में भी भाई इसने अपना वेब शूटर अटका दिया था। तो मतलब इसकी वजह से ऑलमोस्ट ये सोच रहा है कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और अब मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। और ये भाई क्रिसमस का कोई प्रेजेंट दे रहा है शायद पीटर इसे भाई, देखते हैं खैर ये क्या है खोल के। लेकिन खैर यार अभी कुछ दिन के लिए हमें स्पाइडरमैन के बिना ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि अपना माइल्स थोड़ा बेवकूफ़ है। खैर कोई नहीं गाइस यार आगे देखते हैं मिशंस कैसे कैसे होंगे और क्या क्या करना है इसके साथ, माइल्स के साथ फुल मज़े करेंगे यार। चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।